और चलिए अब सुनते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। नौकरी नहीं, बच्चों को 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, कहां 10 करोड़ नौकरी है। मैंने कम करने की बात की, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते गए, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम होने के बावजूद भी लोकपाल अब जाके बनाया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश थी। गंगा की सफाई नहीं हुई, माँ का गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, वो भी जुमला साबित हुआ। बुलेट ट्रेन चलेगी, कितनी बड़ी बातें करी गई थी, पता ही नहीं उसका कुछ भी। जितनी घोषणाएं उन्होंने करी थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं, वो खाली कागज में थी। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं आज देश में घृणा का, नफरत का माहौल है, हिंसा का माहौल है। पार्टियां विभिन्न होती है लोकतंत्र के अंदर, और मैं समझे कि इस देश में 70 साल के बाद भी लोकतंत्र कायम रखा है, कांग्रेस सरकारों ने रखा है। वोटों का राज है, आपके सामने अपनी बात कहनी पड़ती है, झुक के प्रणाम करना पड़ता है, गरीब से गरीब आदमी को पैरों का हाथ लगाना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है, मान सम्मान बढ़ता है गरीबों का। ये व्यवस्था किसने की है? कांग्रेस की दी हुई है, गांधी जी के वक्त से, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो जमाई चली आ रही है। अमेरिका सामने बना था संविधान, पाकिस्तान हमारे साथ आजाद हुआ था, ये व्यवस्था वहां कायम नहीं रह सकी। बार बार प्रधानमंत्री को जेल हुई, एक प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो थे उनको फांसी भिजवा दिया गया, सैनिकों को शासन रहा, इतना बड़ा फर्क है। आजाद हुए तो ना सुई बनती थी, ना पहने को कपड़े थे, ना खाने का अनाज था, हमें अमेरिका के सामने जोली फैलानी पड़ती थी, गेहूं के लिए भी राशन दुकान में आता था, पीए 480 का। आज हम लोग किसानों के बलबूते पर इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति करी और आत्मनिर्भर हो गए हम लोग। ये हमारे देश की उपलब्धि, 70 साल में ना सुई नहीं बनती थी, ना सड़क थी, ना पानी था, पानी तो मोले में नहीं था, और घरों तक पानी पहुंच गया, घरों तक बिजली पहुंच गई, ढाणे तक बिजली पहुंच रही है, सड़कों में जाल गिर गया, सब सेंटर पीएससी सीएचटी बन गई, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बन गए। क्या 70 साल पहले थी? मोदी जी ने 70 साल में कुछ नहीं किया कांग्रेस। अरे मोबाइल फोन आ गए, क्रांति हो गई, दुनिया मुट्ठी में हो गई, नौजवानों का पूरी दुनिया में क्या होना देख सकते हैं। ये किसी के, राजीव गांधी का सपना था, इंटरनेट लाए, कंप्यूटर लाए और ये मोबाइल लेके आ गए, और सब कुछ देश में महाशक्ति बन गया, उपग्रह छोड़े जा रहे हैं। इंदिरा गांधी ने 74 के अंदर परमाणु विस्फोट कर दिया था, पोखरण जैसलमेर के अंदर, आपको मालूम है। तो मोदी जी का कुछ भी नहीं हुआ। भाई मोदी जी बताओ, 5 साल में सब कुछ हुआ है क्या? जितनी बातें मोदी जी बोल रहे हैं टीवी में सुनते हुए, आप, मैं आपको कहना चाहूंगा कि कृपा करके आप दिमाग में रखें कि या तो असत्य है या असत्य है। असत्य लोगों को भ्रमित करने के लिए होता है, आधा सोच आधा सच आधा झूठ मिक्स कर दो उसको, वो बोलते हो, ये अच्छी बात है। प्रधानमंत्री बोले तो देश की जनता के दिलों में गड़का जानी चाहिए, बात बिल्कुल छूने वाली बात है। हाँ, प्रधानमंत्री हमारा बोल रहा है, मान सम्मान होता प्रधानमंत्री का, और ये खुद ही झूठ बोल करके राहुल गांधी के ऊपर बार बार अटैक करके ये अपनी बात कहते हैं जनता को, लच्छेदार भाषण देंगे, आज ही बोल के 3 मीटिंगों के अंदर इतने घबरा गए हैं राजस्थान से। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रोज मीटिंग हो रही है राजस्थान के अंदर, ऊपर से दिखावा कर रहे हैं, बहुत बड़ी जीत उनकी हो रही है, जीत होती तो तुम बार बार आते ही क्यों, और इसलिए घबराए हुए हो आप, घबराए हुए हो। आज मीटिंग बीकानेर में भी हुई है, यहाँ पर सीकर में भी हुई है, और आप करौली वहां पे इंदौर में भी हुई मीटिंग, बता दीजिए आप। कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी लेके आए घोषणा पत्र, दुनिया देश भर के लोगों को पूछा, नरेंद्र मोदी जी मन की बात छोटा होते, 5 साल मन की बात कर रहे थे, राहुल गांधी ने कहा नहीं, मुझे मन की बात नहीं करनी है, मैं मन की बात सुनूंगा, देश की जनता क्या अपने मन की बात कहना चाहती है सरकारों को, वो हमें मैनिफेस्टो बनाऊंगा, वादे करूंगा। अब जो वादे किए, न्याय योजना लेके आए, 6,000 रुपए प्रति माह गरीबों के घरों में महिला के खाते में जाएगा, प्रति माह जाएगा, 72,000 जाएगा 1 साल के अंदर, वो पहला खर्च होगा वहां पर मार्केट में, उससे उत्पादन बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी चीजों की, फैक्ट्रियां और मजबूत होगी, अर्थव्यवस्था देश की मजबूत होगी। और राइट टू हेल्थ, आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी के वक्त में नरेगा आया था, जो विश्व की सबसे बड़ी योजना थी रोजगार की,
अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई थी। पार्लियामेंट में पास हो गए कानून बने हैं, कोई सरकार रोक नहीं सकती। नरेगा को, शिक्षा के अधिकार को, खाद्य सामग्री के अधिकार को, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल पूरे देश में मिल रहा है। हमने 1 रुपए किलो गेहूं कर दिया राजस्थान में, बीपीएल के लिए, स्टेट बीपीएल सबके लिए। इस प्रकार से अब राहुल गांधी जी ने कहा है किसानों के लिए अलग बजट बनेगा। ये घोषणा मैं समझता हूँ सबसे अच्छी घोषणा है। एक रेलवे का बजट पहले बनता था, अब किसानों का अलग बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ है? किसान लोग जितनी समस्याएं, इतनी आत्महत्याएं कर रहे हैं, कर्जे में डूब जाते हैं। ब्रेक बाद चलिए एक बार फिर से आपको लाल सूट लेकर चलते हैं और सुनते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। बंदी बना दिया, हथियार सरने करवा दिया। इस प्रकार से आज तक कांग्रेस की उपलब्धि नहीं देश के अंदर। मोदी ने कभी कहा इस बात को? इंदिरा गांधी जैसे नेता भी हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, इंदिरा गांधी ने दुर्गा का रूप है पार्लियामेंट में कहा था, इनके नेता ने कहा। इंदिरा गांधी ने खालिस्तान भी बना दिया, कार्रवाई करी, वहां पर कितने आतंकवादी मारे जाते थे हमारे लोग आतंकवादी हाथों। इंदिरा गांधी ने कार्रवाई करी वहां पर, पेंटिंग कार्रवाई करी, देश नबूद कर दिया आतंकवाद को, आखिर में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई आतंकवाद ने। इंदिरा गांधी मरने के पहले कहा उड़ीसा के अंदर, मेरी जान भी जा सकती है, इसकी मुझे परवाह नहीं होगी, अगर मेरी जान जाएगी मेरे खून में एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा। कहा राजा भोज कहा गंगू चली, कहा राजा भोज कहा गंगू चली, कहा कांग्रेस कहा बीजेपी, बताइए। और कूद 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 बातें करें, लोग भरमाने लोगों को कैसे काम चलेगा? अरे सत्य का साथ दो, अगर सत्य उनके पक्ष में है। चित्र साधना ने कितनी किया है कांग्रेस ने देश में, वोट मोदी को दो, कोई हमें दिक्कत नहीं है। और चित्र साधन सब कुछ हुआ है, मोदी झूठ बोल रहे हैं, उनको सबक सिखाओ। यही बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। तो लालसोट में संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लगातार सभाओं का दौर जारी है, जिस तरह से आज राहुल गांधी की भी मौजूदगी रही है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित किया। लालसोट से सीधी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जब सभा को संबोधित किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील मुख्यमंत्री ने की। इस दौरान